इस क्वेश्चन में कह रहा है सिम्प्लीफाई लास्ट क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया था इस क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को सिम्प्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को देखने से पहले प्लीज़ लास्ट का क्वेश्चन ज़रूर देख लें जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या आप मेरी साइट डब्ल्यू 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 डॉट ई लर्न मैथ्स डॉट इन पर जाएँ सिंपली क्लास क्लिक करें बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं तो देखिए फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट है हमारा थ्री अपॉन ट्वेंटी की मल्टीप्लाई करनी है फोर अपॉन फाइव से तो मल्टीप्लाई के, के केस में मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे सेम नंबर से वैल्यूज़ काट सकते हैं राइट और अगर कुछ नहीं कटता है तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आप यहाँ देखेंगे फोर से फोर वन ज फोर फोर फाइव ज ट्वेंटी ये कैंसिल हो रहा था तो कितना आ गया हमारा आंसर ऊपर थ्री है और नीचे फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव तो थ्री अपॉन ट्वेंटी फाइव इज द आंसर लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा माइनस सेवन अपॉन थर्टी को मल्टीप्लाई करना है फाइव अपॉन फोर्टीन से तो कैसे करेंगे देखिए अब जो कैंसिल होता है ऊपर नीचे सेम नंबर से वो कैंसिल करेंगे तो देखिए सेवन और फोर्टीन एक टेबल में आते हैं सेवन वन जो सेवन सेवन टू फोर्टीन इसी तरीके से फाइव और थर्टी सेम टेबल में आते हैं फाइव वन ज फाइव फाइव सिक्स ज थर्टी अब देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा बचाए वन है लेकिन ये माइनस साइन है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का वन अपॉन नीचे देखिए सिक्स टू जो ट्वेल्व तो माइनस वन अपॉन ट्वेल्व इज द आंसर लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ थर्ड पार्ट कह रहा है फाइव अपॉन माइनस एटीन की मल्टीप्लाई करना है माइनस नाइन अपॉन ट्वेंटी से तो कितना आएगा तो देखिए सबसे पहले जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सबसे पहले हम माइनस साइन कैंसिल करेंगे ये मैं ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में बता चुकी हूं तो प्लीज उसको जरूर देख लें अब फाइव वन जा फाइव फाइव फोर जो ट्वेंटी नाइन वन जा नाइन नाइन टू एटीन तो ये कितना आ गया ऊपर कुछ नहीं बचाए वन है और नीचे टू फोर जट तो वन अपॉन एट इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा माइनस नाइन अपॉन एट इन टू माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री अब जो कैंसिल होता है सेम नंबर से ऊपर नीचे वो कैंसिल करेंगे तो देखिए थ्री वन जा थ्री 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 जा नाइन एट वन जा एट एट टू जा सिक्सटीन तो कितना आ गया हमारा तो देखिए माइनस माइनस प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स तो प्लस का सिक्स तो सिक्स भी लिख सकते हैं इज़ द आंसर लेट डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं माइनस थर्टी टू की मल्टीप्लाई माइनस सेवन अपॉन थर्टी सिक्स में कर देंगे तो कितना आ जाएगा अब हमें पता है सेम नंबर्स से ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं तो ये देखिए ये दोनों नंबर्स फोर के टेबल में आते हैं तो फोर एट ज़ा थर्टी टू एंड फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स और कुछ नहीं कर सकता अब देखिए माइनस माइनस प्लस एट्स सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स अपॉन नाइन पार्ट नाउ लास्ट पार्ट है हमारा सिक्सटीन अपॉन माइनस ट्वेंटी वन इंटू माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव अब सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं लेकिन सबसे पहले माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ऊपर नीचे है आप चाहें तो लास्ट क्वेश्चन के फिफ्थ मेथड में मैंने दो तरीके बताए थे उसमें से कोई सा भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं अब जो ऊपर नीचे सेम नंबर से कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे तो देखिए सेवन टू फोर्टीन, सेवन थ्री ज ट्वेंटी वन दैट इट। और कुछ नहीं कट रहा है तो सिक्सटीन टू ऊपर मल्टीप्लाई सिक्सटीन टू जर्टी टू और नीचे थ्री फाइव जिफ्टीन तो थर्टी टू अपॉन फिफ्टीन इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई अगेन जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया था वैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं हमारा सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर की मल्टीप्लाई करनी है माइनस फोर्टी एट में कभी भी दो साइन होते हैं तो प्लीज़ ब्रैकेट लगा दिया करें अब देखिए अब हम क्या करते थे ऊपर नीचे से वैल्यूज़ को काट कट करते थे लेकिन सेम नंबर से तो देखिए ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर ट्वेल्व फोर जो फोर्टी एट टू वन जो टू 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 जो फोर तो ऊपर क्या बज गया देखिए, प्लस माइनस माइनस और सेवन टू जो फोर्टीन तो माइनस का फोर्टीन तो माइनस का फोर्टीन अपॉन वन कहें या माइनस फोर्टीन कहें बात एक ही है आंसर लेट्स डू सेकेंड पार्ट ना हो सेकेंड पार्ट में कह रहा है माइनस नाइनटीन अपॉन थर्टी सिक्स की मल्टीप्लाई करनी है सिक्सटीन से अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा उसमें हमने ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों थी लेकिन यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर वाली वैल्यूज दे रखी हैं राइट right? तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको इस वैल्यू को न्यूमरेटर में मानें और ऊपर नीचे सेम नंबर से कैंसिल करें आप देखिए ये दोनों नंबर्स भी सेम नंबर से कैंसिल हो सकते हैं किससे फोर से फोर फोर ज़र सिक्सटीन फोर नाइन ज थर्टी सिक्स दैट्स इट और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस नाइनटीन फोर सेवेंटी सिक्स अपो नाइन तो माइनस का सेवेंटी सिक्स अपो नाइन इज द आंसर लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ थर्ड पार्ट कह रहा है माइनस थ्री अपॉन फोर की मल्टीप्लाई करनी है फोर अपॉन थ्री से तो कितना आएगा तो देखिए जो ऊपर नीचे कट रहा हो वो काट देते हैं तो थ्री वन जो थ्री थ्री वन जो थ्री इसी तरीके से फोर वन जो फोर फोर वन जो फोर तो क्या बच गया वन है ऊपर भी और नीचे भी तो माइनस का वन अपॉन वन लिखें या माइनस का वन लिखें बात एक ही है तो माइनस वन इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा माइनस थर्टीन की मल्टीप्लाई सेवनटीन अपॉइन ट्वेंटी सिक्स से तो देखिए सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं ये हमें ऑलरेडी पता है तो थर्टीन वन ज थर्टीन थर्टीन टू ज ट्वेंटी सिक्स और कुछ नहीं कट रहा है तो माइनस प्लस माइनस सेवनटीन वन जो सेवेंटीन एंड टू वन जो टू तो माइनस सेवेंटीन अपॉन्ट टू इज़ द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है माइनस थर्टीन अपॉन फाइव की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टेन से तो कैसे करेंगे देखिए ऊपर नीचे सेम नंबर से काटेंगे फाइव वन ज फाइव फाइव टू ज टेन तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस थर्टीन टू ज ट्वेंटी सिक्स तो प्लस का ट्वेंटी सिक्स इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है माइनस नाइन अपॉन सिक्सटीन इंटू माइनस सिक्सटी फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन तो अब देखिए ऊपर नीचे सेम वैल्यू से कैंसिल करते हैं तो नाइन वन जर नाइन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन फोर फोर जिक्सटीन फोर वन ज फोर फोर सिक्स ज ट्वेंटी फोर फोर वन ज फोर 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 जिक्सटीन तो कितना आ जाएगा अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो ऊपर क्या बज गया फोर बज गया और नीचे थ्री बज गया तो फोर अपॉन थ्री इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ